2019 लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। मोदी कैबिनेट ने सवर्ण जातियों के लिए 10% आरक्षण की मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार सरकारी नौकरियों में आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को 10% आरक्षण देगी। सूत्रों का कहना है कि लोकसभा में मंगलवार को मोदी सरकार आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों को आरक्षण देने संबंध में बिल पेश कर सकती है। सरकार संविधान में संशोधन के लिए बिल ला सकती है। तो कैबिनेट में मोदी सरकार का यह बड़ा फैसला, सवर्णों को 10% आरक्षण देने की मंजूरी। तो कैबिनेट में सवर्णों के आरक्षण को फिलहाल मंजूरी, 10% आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी फिलहाल मिली है। तो 2019 लोकसभा चुनाव से पहले कहीं ना कहीं सवर्ण वोट बैंक को साधने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। 10% आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी दे दी गई है। दरअसल इस पूरे मामले की अगर बात करें तो सवर्णों की तरफ से कुछ दिन पहले ही भारत बंद का आह्वान किया गया था, जिसमें सरकार के सामने कई मुश्किलें खड़ी हो गई थी। आरक्षण की मांग कर रहे थे, लेकिन इन सब के बीच एक बड़ा फैसला, 10% आरक्षण को कैबिनेट की मंजूरी मिली है। अब आपको बताते हैं कि सरकार के इस फैसले से किन्हें लाभ मिलेगा। सवर्ण जातियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो फैसला लिया गया है, उनमें उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी सालाना कमाई 8 लाख से कम होगी, जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन हो, जिनके पास घर 1000 स्क्वायर फीट से कम का हो, जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो, या वो जो अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के तहत नहीं आते हैं, तो उनको इस सुविधा का लाभ होगा। 10% आरक्षण कैबिनेट ने मंजूरी दी है। बड़ी देर कर दी मेहरमा आते आते हैं? और ये भी चुनाव के वक्त में, जिसका कोई लॉजिस्टिक समझ में आता नहीं है। आप देखो, कितना ही शीर्षासन कर लें, कितने ही जुमले गढ़ लें, अब मोदी जी को कोई भी आसन जो है पदच्युत होने से नहीं बचा सकता है। अपर कास्ट के गरीब लोगों को मदद मिलना जरूरी है। अगर इसका इंटेंशन बहुत अच्छा हो तो सेशन शुरुआत में ही लेके आना था। कल सेशन खत्म हो रहा है, आज लेके आ रहा है, ये और एक बहुत बड़ा जुमला है। इन लोगों को अच्छी तरह जानता है। राजस्थान में भी ये लोग लाया था आरक्षण, जो आर्थिक रूप में पिछड़े है उसको देने का, सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक डाउन किया है। इसके ऊपर बहस होना है, पार्लियामेंट में वोट भी होना है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये, तो बहुत पहले ही ला सकता था। उसमें क्या क्या चीज़ें हैं डेफिनेटली उसके बाद रिएक्ट करूंगा, क्योंकि अब वो क्या क्लास बेसिस पे किए, क्या कास्ट बेसिस पे किए, क्या रिलीजन बेसिस पे किए हैं, वो देख कर हम बात करेंगे। 10% से शुरू करें, आगे वो पर्याप्त नहीं लगेंगे तो बढ़ा सकते हैं, परंतु ये सारे सरकारी नौकरी में है, सरकारी संस्था में है, जो संस्थाएं सरकार से पैसा लेते हैं, प्राइवेट सेक्टर में नहीं लागू होती है। तो मतलब ये निर्णय जो है, ये निर्णय बहुत ही बड़ा क्रांतिकारक है, ऐतिहासिक निर्णय है, हिस्टोरिकल निर्णय है, क्योंकि बहुत सालों से सवर्ण समाज में से मांग हो रही थी। महाराष्ट्र में मराठा हो, गुजरात में पटेल पाटीदार हो, हरियाणा में जाट हो, ठाकुर हो, राजपूत हो, ब्राह्मण हो, सभी जातियाँ ये बोल रही थी कि भाई SC ST और OBC को आरक्षण मिलता है, लेकिन हमारे समाज में भी इकोनॉमिकल बैकवर्ड क्लास की संख्या है, वैसे गरीब लोगों को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए। जिस तरह से देखा जाए, 10% आरक्षण को कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिल गई है। कहीं ना कहीं 2019 लोकसभा चुनाव से पहले
मोदी का मास्टर स्ट्रोक, क्या कहेंगे? बिल्कुल आनंद, देखिए बता दूं, जिस तरह से लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब स्वर्णों को आरक्षण देने पर मुहर लगाई है, तो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। इस फैसले के तहत सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में स्वर्णों को आर्थिक आधार पर 10% आरक्षण दिया जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अनन्या, क्योंकि लोकसभा चुनाव सर पर है और उसके बाद ये उससे पहले ये फैसला लिया गया है, लगातार जो विपक्ष है वो चाहे राफेल को लेकर हो या फिर बाकी चीजों को लेकर हो, लगातार केंद्र सरकार को घेरने की तैयारी कर रहा था। और ऐसे में जब केंद्र सरकार ने इस तरह जो फैसला लिया है आरक्षण देने का, तो निश्चित रूप से जो विपक्ष है वो एक बार फिर हावी हो सकता है। और ये जो केंद्र सरकार ने 10% आरक्षण देने का ऐलान किया है लोकसभा चुनाव से पहले, तो इसको मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। लेकिन अनन्य, सबसे बड़ी बात यह है कि संसद का शीतकालीन सत्र जो है पूरी तरह से राफेल विमान सौदे के कथित गड़बड़ी को लेकर हो रहे हंगामे के बीच लगभग बीत चुका है और आज सत्र का आखिरी दिन है। ऐसे में सरकार के सामने इस बिल को पेश करने और पास करवाने की चुनौती है। बिल्कुल इंद्रसेन, बिल को पेश किया जाएगा, पास करवाने की चुनौती है, आज आखिरी दिन है और विपक्ष कहीं ना कहीं अपने आप में आक्रामक है। क्या लगता है जो बिल को पास कराने के लिए सत्र को आगे बढ़ाने को लेकर भी विचार किया जा सकता है क्या? बिल्कुल आनंद, देखिए बता दूं, सूत्रों की माने तो मोदी सरकार इस बिल को पास करवाने के लिए सत्र को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी अनन्य, क्योंकि सरकार को संविधान संशोधन बिल को लागू करवाना है तो उसे लोकसभा और राज्यसभा में दोनों पास करवाना होगा। जिस तरह से ट्रिपल तलाक बिल जो है वो लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में अटका हुआ है, निश्चित रूप से लोकसभा में अगर सरकार के पास बहुमत है तो ये संशोधन बिल लोकसभा में तो पास हो सकता है, लेकिन राज्यसभा में विपक्ष के पास जो बहुमत है वो ज्यादा है तो निश्चित रूप से ये बिल भी अटक सकता है। और इसी पर बिल्कुल कहीं ना कहीं सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां हैं, क्योंकि लोकसभा में तो आप पास करा लेंगे लेकिन राज्यसभा में वही स्थिति बनेगी, अग्नि परीक्षा जैसे कि तीन तलाक बिल अटका हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए इंद्रसेन यादव। तो अब जिस तरह से देखा जाए सरकार के सामने बड़ी चुनौतियां, सवर्ण जातियों में आर्थिक आधार पर आरक्षण का जो फैसला लिया गया है उनमें से उन लोगों को लाभ मिलेगा जिनकी सालाना कमाई 8 लाख से कम होगी, जिनके पास 5 लाख से कम की खेती की जमीन है, वो जिनके पास घर 1000 स्क्वायर फीट से कम का हो, जिनके पास निगम की 109 गज से कम अधिसूचित जमीन हो, या वो जो भी अभी तक किसी भी तरह के आरक्षण के तहत नहीं आते थे।